वो नहीं आना चाहते। मरना जीना साथ है, मरना जीना साथ है। मणिपुरी में कैसा बोला जाएगा? नंग चकचा रेबो, नंग चकचा रेबो। कैसे हो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले 2 दिनों से मेरा तबीयत ज़्यादा सही नहीं, इस कारण से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने सोचा कि हमारे आसपास जो गांव है, आप जानते होंगे हमारे इंडिया की खूबसूरती कि अलग अलग लैंग्वेज, एक गली से दूसरा गली जाओगे लैंग्वेज चेंज होगा, जाति चेंज होगा। तो मैंने सोचा हमारे गाँव में कितना लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज है हमारे गाँव में, 2 लैंग्वेज से लोग बात करते हैं हमारे गांव के आसपास। सिर्फ गांव की बात नहीं, गांव की बात करो तो सिर्फ बांग्ला लैंग्वेज से लोग बात करते हैं, और आसपास गांव की बात करो तो कोई यानी बांग्ला बोलता है और कोई मणिपुरी लैंग्वेज बोलता है। तो दोनों लैंग्वेज से लोगों से बात करूंगा, आम लोगों से बात करूंगा, और आप तक मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा मणिपुरी लैंग्वेज जो किस तरह से होता है और बांग्ला जो हमारे गाँव का लैंग्वेज है किस तरह से होता है। तो बात करता हूँ और आप तक मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों आज दूसरा दिन है और अभी जैसे सुबह का 10 बज रहा है और मेरा इस तरफ देख सकते एक दुकान है। कल मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आज मैं एक दुकान पे आया, मेरे घर का सामने इस दुकान पे दो लोग बैठा है और उन दोनों से बांग्ला से बात करूंगा और हमारे जो बांग्ला लैंग्वेज है जिसको भाषा बोलते हो किस तरह से होता है। तो चलो जाता उन दोनों का पास। तो इस तरफ एक भाई है, तुम्हारा नाम क्या था? रोहन। रोहन तुम्हारा नाम मतलब आपका नाम क्या है? और इससे बाद में पूछता हूँ कितना खबर कौन है? बाला। कितना खबर का मतलब होता है कैसे हो? बाला है यानी अच्छा हो, अच्छा अच्छा को बोला जाता है बाला। कितना खोटा वर्तमान है? वर्तमान है फोड़ी तरह, फोड़ा मतलब कितना खोटा है मतलब आप क्या कर रहे हो फिलहाल, क्या काम काज कर रहे हो ऐसे? इस तरह वो नहीं आना चाहता है। अच्छा कोई बात नहीं। और बताओ रोहन, आपको हिंदी आता है? हाँ आता है। रोहन को भी हिंदी आता है लेकिन रोहन से मैं बांग्ला से बात किया इसके कारण है, मैंने बोला था कि आम लोगों से बात करूंगा और हमारा बांग्ला जो लैंग्वेज है किस तरह से होता है। तो मैंने बात किया था तो रोहन से दो बात पूछा, कितना खबर बांग्ला में बोला जाता है, और इसके बाद और क्या पूछा था, आप क्या करते हो मतलब तुम्हें कितना खोरो ये होता है। तो अभी बाकी रह गया मणिपुरी जो लैंग्वेज है वो मणिपुरी से बात करता हूँ, उसके बाद मणिपुरी लैंग्वेज आप तक शेयर करता हूँ। लेकिन मणिपुरी जो लैंग्वेज है मुझे इतना अच्छा से पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, जैसे सऊदी में रहते वक्त जैसे मुझे अरबी मालूम था इस तरह से मालूम है। तो चलो मणिपुरी बात आपसे शेयर करता हूँ, कुछ बोलोगे? हाय भाई बोल दो ना। हाय ऐसा भाई भाई बोल दो। हाँ तो भाई साहब अभी मैं अपना मोहल्ला यानी हमारी जो मोहल्ला है इस मोहल्ला चढ़ कर मणिपुरी बस्ती में जा रहा हूँ और मेरा साथ गुंडा है और गुंडा बांग्ला भाषा से बात करता है। दुईटे मात मातो ना इधर कोई दो तुम्हारा जाना जाता कोई दे दुईटे मात हो खाली कोई दो दुई दुईटे मात हो ना 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 टाइम होता ना बिले दुईटे मात। ओ मैं चाचा को बोला था दो बात बोलो तो वो बोल रहे नहीं बोलूंगा क्या बोलू मैं, तो कुछ नहीं मिल रहा है। मुन्ना जी ना साथ। अच्छा उनका आखिरी में एक बात बोल दिया, खाना पीना साथ है, मुन्ना जी ना साथ है, मरना जी ना साथ है। अभी सब्जी लगाने हैं? हाँ, सब्जी लगाने जा रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ हम लोग मणिपुरी बस्ती में, यहाँ पे जाके मेरे दोस्तों मैं काफी चल के आने के बाद मणिपुरी बस्ती में फिलहाल मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरा एक दोस्त जिनका नाम पारबीन है इस तरफ देख सकते हो, और इनसे मिला। मैंने सोचा पारबीन भाई मणिपुरी लैंग्वेज से बात करता है, जो मणिपुरी जो भाषा है जबान जिसको बोला जाता है इस जबान से मणिपुरी जबान से बात किया करता है, तो उनसे पूछूंगा जैसे हिंदी में बोला जाता है आपका नाम क्या है, और हमारी बंगला जो लैंग्वेज है लोकल जो मैं जो भाषा यूज़ करता हूँ उसी भाषा से बोला जाता है तुम्हारा नाम की। तो परवीन भाई को मैं पूछूंगा तो मणिपुरी भाषा में कैसे बोला जाता है? मणिपुरी भाषा में बोल रहा है जे नंगकारी तौरी। नंगकारी तौरी तौरी इसका इसका मीनिंग है आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और जैसे मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है तो नंगी आपका नाम क्या है बोल रहा है, इसका मीनिंग होगा ना नंगी नमिंग करी कौ नंगी नमिंग करी करी नो करी कौए कौए। और जैसे आप किधर जा रहे हो इसको मणिपुरी भाषा में कैसे बोलोगे? नंगकाय चलिमो। नंगकाय चलिमो यानी बांग्ला में बोलोगे तो आप बोलोगे मैं जिस भाषा को यूज करता है इसको इससे अगर बोलो तो तुम्हें खानो इता है ओला ऐसे बोलूंगा। अगर मणिपुरी भाषा में क्या बोला था आपने? नंगकाय चलिमो। नंगकाय चलिमो। और दूसरी बात अगर मणिपुरी भाषा से जैसे हम लोग हिंदी में बोलूंगा आप खाना खा चुके हो क्या, तो हमारी बांग्ला में बोला जाएगा तुम्हें खाली सो ना किता,
और मणिपुरी में कैसा बोला जाएगा? नंग चकचा रेबो। नंग चकचा रेबो। पानी को क्या बोला जाता है? पानी, पानी को इसिंग बोल रहा है। पानी को इसिंग, और हमारी बांग्ला में बोला जाएगा पानी। और जैसे रोटी को? रोटी को टन बोल रहा है। टन, रोटी को टन, और हम लोग रोटी को रोटी बोलता हूँ। और दोस्तों ये जो जगह है ना, इसका व्यू है ना काफी खूबसूरत सा, और मैंने सोचा नेचुरल जो चीज है, जैसे इस तरफ एक भैंस है आप देख रहे हो, तो परवीन भाई को पूछता हूँ भैंस को क्या बोला जाता है। परवीन भाई, वो जो भैंस है, भैंस है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको मणिपुरी भाषा में इरोय बोल रहा है। भैंस को मणिपुरी भाषा में इरोय, और हमारी जो हम लोग जो लोकल भाषा यूज करते हो उसमें, उस भाषा से अगर बोलूंगा ना मैं आपको, बोयार बोलता हूँ हम लोग इसे। ये देख सकते हो बोयार, और ये जो बछड़ा है ना गाय का, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? हम लोग मणिपुरी भाषा में बोल रहे हैं उसको सन। सन, इसको सन बोला जाता है। और इसको यानी ये जो एक बकरी है, बकरी इस तरफ देख सकते हो, इधर मेरा नीचे पीछे देख सकते हो बकरी, घास 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 खा रहा है इस तरफ नीचे, ये इस तरफ, इसको क्या बोला जाता है? इसको मणिपुरी में हमेंग बोल रहा है। हमेंग, मणिपुरी भाषा में बकरी को हमेंग बोला जाता है, और बांग्ला में सागल बोला जाता है। और मेरा साथ कुछ मेरा साथी देख सकते हैं, छोटा छोटा बच्चा आया, और हम लोग वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए उन लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा ये ब्लॉग है, ये वीडियो है, काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो मणिपुरी हमारी यहाँ का जो लोकल भाषा है जिसको जबान बोला जाता है, और यहाँ का जो बांग्ला भाषा है, आपको सुनते हुए काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको, और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बहुत बहुत शुक्रिया परवीन भाई, आपका जो कीमती वक्त है हमें दिया, और जो आपका जबान है उसकी खूबसूरती हमारी YouTube चैनल के माध्यम से फ्रेंड तक शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका कीमती वक्त देने के लिए। कुछ बोलोगे मेरे फ्रेंड को एंड में? मेरा फ्रेंड है, उसके साथ में मिल के बहुत अच्छा हो गया, मैं भी उसके साथ मिल के और क्या बताएगा, मैं भी बहुत हैप्पी है। यानी परवीन भाई का बोलना है कि मेरे साथ वीडियो बना के बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, तो मुझे भी बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश हुआ परवीन भाई का साथ मिलते हुए और वीडियोस बनाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन भाई आपका कीमती वक्त देने की, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मेरा ब्लॉग है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया या नया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि पता चले मुझे आप तक मेरा वीडियोस पहुँचा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।